दो मिनट के लिए जैसे किसी के को तीन किलो साक्षी रहे हैं दिखाना रहे सरकार ने तो लोग दिखाते कि 510 साल पुराना संत सुमणी रविदास जी का जो दिल्ली में मंदिर था लाखों लाख उस मंदिर को इस बीजेपी ने तुड़वाने का काम और तुड़वाए नहीं जब लाखों लोग अपना आक्रोश दर्द कराने दिल्ली पहुंचे तो उन पर लाठियां भापी और 250 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करने का काम किया मैं तो धन्यवाद करूंगा बहन जी का जिनने वकील कराकर उन लोगों को आज लीगल मदद देने का काम किया है साथ ही ये मीडिया पावर मगर एक चीज जो इनके पास नहीं और जो बसपा और जसपा में है वो है मैन पावर कार्यकर्ताओं की आज उस मैन पावर को दिखाने का समय आ गया चौधरी देवीलाल जब 1983 के अंदर राजीव गांधी जी 413 सीटें जीतने के बाद चौधरी देवीलाल के चुनाव आ गए थे जब एक चीज लेते क्योंकि उस समय तो दूरदर्शन था और एफएम प्रसार भारती था पूरे दिन गुणगान होता था तो देश के प्रधानमंत्री ने आज ये किया देश के प्रधानमंत्री ने आज ये चौधरी देवीलाल जी ने जनता से ये चीज कही कि जिस दिन में टीवी में ज्यादा दिखने लग जाओ अखबार में ज्यादा दिखने लग जाओ ये सोच लेना हरियाणा की जनता से मैं दूर हो गई और वही चीज जनता ने समझी और एक वोट और एक नोट की ताकत से 1987 में चौधरी देवीलाल जी जहां राजीव गांधी जैसे के पिछहत्तर की बात कर रहे हैं राजीव गांधी तो 90 की बात किया करते हैं तो एक वोट और एक नोट की ताकत से राजीव गांधी को तो पार और चौधरी देवीलाल को 85 सीटों पर लोगों ने बनाने का काम किया वही मौका आज साथियों आपके हाथ में इस मौके को मत आज भी मौका है प्रदेश में 85 सीटें लड़ और 85 सीट कब आएगी जब यहाँ बैठा एक एक साथी हाथी क्या भी बसपा जसपा की बात छोड़कर जय कुमारी मायावती जी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को याद रखते हुए एक एक वोट इस गठबंधन को डलवाने का काम करेगा और अपने बूथ पर यह संकल्प लेकर जाओ कि हमने 50% वोट इस गठबंधन के पक्ष में कराना अगर बूथ में 800 वोट है तो हमें ये टारगेट लेना है कि बूथ में 401 वोट इस गठबंधन के हो और जिस दिन 50% के ऊपर वोट हमारे हाथ में आ जाएंगे ये ईवीएम के साथ कुछ भी करने का काम करे एक तरफा बहुमत के साथ आपका गठबंधन इस प्रदेश में और इस क्षेत्र में चारों सीटें जीतने का काम करेगा मतलब यही विनती